बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। या कनाबदो व या कनस्ताइन। जनाब शाह फरमान गवर्नर पख्तूनख्वा और महमूद खान चीफ मिनिस्टर, मोहिबुल्ला आपको और इसरार आपको ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर की वजह से, क्योंकि ये फंक्शन में मुझे बड़ी खुशी हुई आज आपकी अचीवमेंट्स देखे, तो आपको और फिर अली मीन आपको मैं ख़ास तौर पे इसलिए कि मैंने देखा कि अपने सारे दोस्तों को आज आपने यहाँ बैठाया हुआ जो आपकी तालीम और जमशेद चीमा आपने जिस तरह बड़ी तफसील में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन बड़े थोड़े वक्त में आपने लोगों को दी, तो मैं सबसे पहले अली मीन की बात से शुरू करना चाहता हूँ। देखें, मैं जब मदीना की रियासत की बात करता हूँ तो मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो इस्तेमाल करते हैं इस्लाम को ज़ाती मफादात के लिए, वोट लेने के लिए। ये मेरा ईमान का हिस्सा है, मैं तारीख का तालिब इल्म हूँ, मैंने दुनिया की तारीख पढ़ी है, मैंने फिर बड़ी तफसील के अंदर अपनी तारीख पढ़ी है, फिर अपने इस्लाम की, फिर सबसे जिसका मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ा अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की बड़ी तफसील में पढ़ी है। तो मैं जब ये मदीना की रियासत की बात करता हूँ वो इसलिए कि ये एक दुनिया की तारीख में बहुत बड़ा इनकलाब आया था, इससे बड़ा कभी इनकलाब नहीं आया, और हमारे नबी वाहिद पैगंबर थे जिनकी सारी जिंदगी तारीख का हिस्सा है। सारी दुनिया की जो तारीख है उसमें वो फिनोमेना है जब वो आए और वो जब गए दुनिया से, और वो फिर कैसे वो लोग जिनकी हैसियत ही कोई नहीं थी, अरबों की कोई हैसियत नहीं थी, दो सुपर पावर्स थी उस वक्त की, कैसे वो जिनकी हैसियत ही कुछ नहीं थी चंद सालों के अंदर दुनिया की इमामत करनी शुरू कर दी। ये तारीख का हिस्सा है, आप स्टूडेंट्स बैठे हैं इसको समझें। हम सिर्फ जुमे के खुतबे पे जाके सुन के आ जाते हैं, बाहर हमारी जिंदगी में दीन का हमारी जिंदगी पर कोई असर नहीं होता, इसलिए हमारे हालात बुरे हैं। जब तक वो जो अल्लाह हमें हुक्म देता है कुरान में कि उनकी जिंदगी से सीखो, अल्लाह को तो आप, वो तो बेनियाज है, उसको कोई फायदा ही नहीं पहुंचा सकते आप अल्लाह को, वो आपकी बेहतरी के लिए है। कुरान शरीफ हमारी बेहतरी के लिए अल्लाह ने भेजा है, अगर आप उसके ऊपर चलते हैं तो आपकी बेहतरी है। और जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलते हैं, उनकी शरिया पे चलते हैं, तो आप एक छोटा आदमी एक बड़ा आदमी बन जाता है। तो वो जो कुरान में जो नमाज हम पढ़ते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जो नेमतें बख्शी, वो आप पांच वक्त मांगते हैं, वो सबसे ज़्यादा नेमतें तो उन्होंने अपने हबीब को बख्शी, तो उनके रास्ते पे बता रहे हैं आप, हर रोज़ नमाज में उनका रास्ता मांगते हैं। तो जब अली अमीन ने ये बात की कि हमें खुदार कौम बनना चाहिए, ये ला इला इल्लल्लाह एक इंसान को गैरत देता है। जब आप अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुकते ही नहीं है, एक छोटा सा इंसान गैरतमंद हो जाता है। पैसे वाले आदमी जो किसी के सामने झुकता है उसकी कोई इज्जत नहीं है, एक मजदूर भी जब गैरतमंद होता है तो लोग उसकी इज्जत करते हैं। और फिर जब ये जो इनकलाब आया था इतना बड़ा, जो ये मदीना का इनकलाब आया था, उसकी दो चीजें थी, उसकी बुनियाद दो जगह पे रखी गई थी। एक तो उन्होंने इंसानों को आजाद कर दिया, एक सिस्टम दिया, एक अदल और इंसाफ का निज़ाम लिया। इंसाफ इंसान को आज़ाद कर देता है, जो जिस माशरे में जो हज़रत अली का कौल है ना, जुल्म का कुफर का निज़ाम चल जाएगा लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। ना इंसाफी का निज़ाम इसलिए नहीं चल सकता,
कि जो पाकिस्तान में है, कि बड़े बड़े माफिया बैठे हुए हैं, कानून के ऊपर हैं, कानून की बालादस्ती कायम नहीं होने देते क्योंकि वो फायदा उठा रहे हैं करप्ट सिस्टम से। तो वो जब तक वो ये बड़ा बड़ा माफिया बैठा हुआ है और कहता है कि हमें एनआरओ दे दो और बाकी गरीबों को पकड़ो, वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मदीना में इंसाफ कायम किया कि मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी तो उसको सजा मिलेगी। और तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर कानून नहीं था, जिधर इंसाफ नहीं था, जिधर ताकतवर के लिए करो और कमज़ोर के लिए दूसरा। और दूसरी चीज़ थी, उन्होंने इंसानों के कैरेक्टर को उठाया, कैरेक्टर बिल्डिंग की नेशन की, सादिक और अमीन, सच्चा और ईमानदार। वो कैरेक्टर से वो लोग उठे, कभी भी झूठे और झूठे लोग, डरपोक लोग बड़े कौम नहीं बना सकते। सच्चे लोग, दलेर लोग, जो अल्लाह में, जो ला इला इल्ला में मानने वाले लोग, गैरतमंद लोग, वो सिर्फ बड़ी कौम बनता है। और वो साबित है, मदीना की रियासत में वो साबित हुआ है कि देखते देखते चल, यानी जंग बदर के 11 साल बाद तो एक सुपर पावर गिरी और 13 साल के बाद दूसरी गिरी उनके सामने। तारीख का हिस्सा ये। तो मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूँ और अपनी कौम को, हम एक बड़ी कौम नहीं बन सकते जब तक हम अपना कैरेक्टर ठीक ना करें, हम भी सादिक और अमीन ना बने, सच्चे और अमानतदार ना बने, इंसाफ करने वाले ना बने। कभी कौम बड़ी नहीं बन सकती। जो मुसलमान जब फैले थे सारी दुनिया में तो लोग उनके कैरेक्टर से मुतासर थे। इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर कोई मुसलमान फौज नहीं गई थी, वो उनके ताजरों के कैरेक्टर से लोग मुसलमान हो गए। इसलिए हम भी पाकिस्तानी, और मैं, क्योंकि हमारी अक्सरियत नौजवानों की है, मैं मुसलसल अपने नौजवानों को इस चीज़ समझाता हूँ कि अल्लाह ने इस मुल्क को किसी चीज़ की कमी नहीं दी। हमें वो ये खिता वो है जिसमें सब कुछ दे दिया उसने, लेकिन एक हमें कैरेक्टर चाहिए एक अजीम कौम बनने के लिए, सच्चे लोग, सच्चाई। ये जो अली अमीन बात कर रहा था करप्शन की, जो भी हाथ फैलाता है किसी के सामने, पैसे मांगता है किसी से, उसकी दुनिया इज्जत नहीं करती। जब किसी को रिश्वत देता है तो उसकी गैरत जाती है, जो रिश्वत लेता है उसकी गैरत जाती है। मैं वो जिन लोगों को हम काफिर कहते हैं, मैंने सारी दुनिया देखी हुई है, आप हैरान होंगे, वहाँ इस तरह अखबार पड़ा होता है, लोग पैसे डालते हैं अखबार, कोई देखने वाला भी नहीं होता, कभी वहाँ सोचते भी नहीं कोई धांधली होगी इलेक्शन में। हमारे यहाँ पोलिंग एजेंट्स बैठे होते हैं, वहाँ हो रहा होता है, फिर लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, वहाँ तो आता है सीधा वोट डाल के चला गया, कोई पूछने वाला भी नहीं होता, कोई कहता नहीं धांधली हुई। कहीं देख लें, यूरोप में इलेक्शन होता है, कहीं कोई सोचता भी नहीं है धांधली का। हमारी इलेक्शन से पहले हमारी घंटों मीटिंग ये नहीं हो रही होती कि वोटर को कैसे निकालना है, धांधली कैसे रोकनी है। तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि हमारे इस तरह के लोग आए जो आज बाहर बैठे हुए हैं और बाहर अरबों अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज पे बैठे हुए हैं, एक रसीद नहीं बता सकते पैसा किधर से आया, और वहाँ से तकरीरें कर रहे हैं यहाँ बैठ के। इसलिए जो जब तक अगर हमने बड़ी कौम बनना है, अजीम कौम बनना है, वो जो हमें बनना था, जो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट था। तो मैं सिर्फ आपको शुरू में ये बता दूँ कि एक तो सिस्टम के अंदर हम जो हम आज जंग लड़ रहे हैं कानून की बालादस्ती की, सारे माफियाज के खिलाफ, ये इस पर इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। और दूसरी, कौम ने अपने आप को चेंज करना है। अल्लाह की कुरान में आयत है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश नहीं करती, अपना कैरेक्टर नहीं बदलता। अब जी, ये जो बड़ा ज़रूरी है आपके लिए समझना, हमारी आबादी जब पाकिस्तान बना था, और आप, हमारी आबादी जब पाकिस्तान बना था तो 4 करोड़ से भी कम थी।
आज पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ पे पहुंच गई है, और जिस रेट पे अब बढ़ रही है, तो हमें जो इतनी ज़रख़ेज़ ज़मीन के बावजूद हमने पिछले साल 40 लाख टन गंदम इंपोर्ट की है, 40 लाख टन, इस बार हमने सबसे पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा गंदम इस बार हमारी पैदावार हुई, उसके बावजूद हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि हमारी आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ गई है। हम वो चीज़ें दालें इंपोर्ट करते हैं, सारा जो हमारा घी है तकरीबन 80-70% वो हम इंपोर्ट करते हैं, खाने पीने की चीज़ इंपोर्ट करते हैं, और जब दुनिया में सारी कीमतें बढ़ी तो पाकिस्तान में क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं हम यहाँ भी महंगाई आ गई। इसलिए हमारे पास अब आज जिधर हम खड़े हैं और जिस तरह आबादी बढ़ी है, इसको तो एक तो चीज़ ये कि हमने अपनी बुनियादी तरीन प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर जोर लगाना है, और जो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब दो चीज़ों से आबादी की स्पीड नीचे आती है, एक बुनियादी तालीम दें बच्चों को और अपनी बच्चियों को, और दूसरा जो बुनियादी हेल्थ केयर है, जो नीचे जो प्राइमरी हेल्थ केयर जैसे कहते हैं उसको ठीक करें, तो वो तो इंशाल्लाह हम कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ अभी से हमें प्लानिंग करनी है कि हमने कैसे अपनी बड़ी बढ़ती हुई आबादी को हमने कैसे अनाज देना है, हमने कैसे अपने लोगों का पेट पालना है, और हमने कैसे अगर इसी तरह आबादी बढ़ती रही और इतनी पैदावार हमारी रही तो आगे जाके या तो बहुत भूख होगी पाकिस्तान में, क्योंकि बाहर अगर इसी तरह बाहर भी जो कीमतें बढ़ी हैं, ये 20 साल के बाद कभी इतनी तेज़ी से इन्फ्लेशन यानी कीमतें नहीं बढ़ी कमोडिटीज़ की, खाने पीने की चीज़ों में, जो इस एक साल के अंदर बढ़ी है। तो इसलिए हम अगर हम खुद अपनी सारी इस मुल्क में अनाज उगा सकें तो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर दुनिया में कीमतें ऊपर जाएं, लेकिन अगर हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है तो हमें फ़र्क पड़ेगा और पड़ रहा है। तो इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये जो आज जिसके लिए मैं ख़ास तौर पर आया हूँ, गोमलजाम डैम का आज हम ये जो तकरीबन 2 लाख एकड़ ज़मीन मज़ीद अब इससे काश्त होगी, ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि हमें अब सारे पाकिस्तान को देखा और जो चीज़ें जगह बताई, वो जगह जिधर अभी तक कोई फसल नहीं उग रही थी क्योंकि पानी नहीं था, तो हमें अब जो अपनी अकल इस्तेमाल करके फैसला करना, इतना हमारे पास पानी है, इंडस के अंदर इतना पानी है, ये जो सारे 5 दरिया हैं, ये सुलेमान से जो नीचे आते हैं पहाड़ों से, इनमें से कितना पानी आता है, इस पानी को हमने स्टोर कैसे करना है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की ये यानी 50 साल के बाद पहली दफ़ा डैम्स बन रही हैं पाकिस्तान में, और इंशाल्लाह 10 सालों में हमने 10 डैम्स का पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ बनने का। तो हमारा अभी 14 MAF पानी स्टोर कर सकते हैं, इसको हमारी कोशिश है 25 पे लेके जाए और इसको डबल कर दें। तो ये हमें सबसे पहले तो पानी कितना है, उसको हमने बचाना कितना है, इसको कैलकुलेट करें, फिर जो पानी बचे उसका बेहतर इस्तेमाल कैसे करना है, अभी हम इस्तेमाल भी ठीक नहीं करते ताकि हम अपनी ज़मीन से ज़्यादा पैदावार लें। तो ये चैलेंजेस हैं। और फिर रिसर्च, देखिए जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे, और हमारी बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च होती थी, हम जब बड़े हो रहे थे फैसलाबाद यूनिवर्सिटी की बड़ी रेपुटेशन थी सारी जगह, बड़ी लोग तारीफ करते थे उसकी, उसके बाद सारी हमारी रिसर्च चले गई। अब ये देख लें कि हिंदुस्तान की यील्ड या पैदावार हमारे से ज़्यादा है, हम बात ही नहीं कर रहे कि अमेरिका और ये यूरोप की, हम तो बात करें अपने हमसाए की जो हमारे साथ आज़ाद हुआ था, उसकी हमारे से ज़्यादा पैदावार है क्योंकि वहाँ भी रिसर्च ज़्यादा है। तो इसलिए सीड डेवलपमेंट, इसकी रिसर्च करना, पानी का बेहतर इस्तेमाल कैसे करना, अपनी पैदावार को बढ़ाना, नई टेक्नोलॉजीज़ का कैसे इस्तेमाल करना, अब इस तरफ हमने जाना है। और फिर हमारे ही जो सारे इलाके पड़े हैं, जिस तरह कबायली इलाके की बात की अभी जमशेद ने, ये सारा वज़ीरिस्तान पड़ा है हमारा, ये बहुत बड़े इलाके पड़े हैं, इधर ही अब इन इलाकों का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे करना है। एक चीज़ तो पाकिस्तान में शुरू होगी, मसलन जैतून, पूरा जैतून का इंशाल्लाह इनकलाब आ रहा है सारी जगह, और पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पे,
और ये सारे कबाली इलाके में, ये बलूचिस्तान तक हम जैतून उगा सकते हैं। और जैतून एक कैश क्रॉप है। एक तो ये है कि पाकिस्तान में बड़ा फ़ायदा होगा, बड़ी महंगी बिकती है जैतून का तेल, लेकिन ये दुनिया में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और पाकिस्तान में हमने रिसर्च की है कि बेहतरीन इलाके हैं पाकिस्तान में, और बहुत ज़्यादा इलाके हैं जैतून के। फिर और बड़े कैश क्रॉप्स हैं, मसलन एवोकाडो है। अब एवोकाडो सारी सब्जियों का बादशाह समझा जाता है, सबसे ज़्यादा विटामिन है इसमें। हमारा मुल्क बेहतरीन मुल्क है एवोकाडो उगाने पर। मैंने अपने घर में उगाया, एक्सपेरिमेंट किया, ज़बरदस्त उगते हैं। तो दुकान में पता चला एक एवोकाडो 700 रुपए का बिकता है। तो यहाँ हमारे तो इतना ही जगह है उगाने की। तो कहने का मकसद ये, इंसान को अपना ज़हन लगाना पड़ता है, इसके लिए सोचना पड़ता है, आगे का सोचना पड़ता है, अगली इलेक्शन का नहीं, अपनी अगली नस्लों का सोचना पड़ता है। और इंशाल्लाह ये मेरा यकीन है पूरा कि जिस तरफ अब हम निकल गए हैं पहली दफ़ा, मेरे ख्याल में 60s के अंदर अयूब खान के दौर में एग्रीकल्चर के ऊपर काम हुआ था, इंशाल्लाह अब हमारे दौर में जो काम शुरू हुआ है आप देखेंगे हर साल अब हम इसे इंक्रीमेंट इंक्रीज करते जाएंगे। हमने जो प्लानिंग अब पूरी की है कि हमने कौन कौन सी नई, अब देखें अब दुनिया के अंदर पाम ऑयल है जिसके ऊपर जिससे असल हमारा जो कुकिंग ऑयल है, जो घी है, वो बाहर से इम्पोर्ट होता है 70%, उसकी दुगनी हो गई है कीमत दुनिया में। हम ये सारा कुछ पाम ऑयल सीड खुद उगा सकते हैं, हम सोयाबीन उगा सकते हैं, यानी हम सारा कुछ पाकिस्तान में उगा सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो अब से हम प्लानिंग कर रहे हैं कि इन दुनिया में जो भी मसले आएँ, पाकिस्तान में सारी चीज़ें जो बुनियादी ज़रूरियात हैं हमारी, दालें मसलन, आम आदमी दाल खाता है, ये भी दिन आना था सोचे कितने 70% दाल हम बाहर इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपने पाकिस्तान में उगानी है। हमारी सारी प्लानिंग अब इस तरफ है कि पानी का सबसे पानी को स्टोर करना, उसका बेहतरीन इस्तेमाल करना, वो इलाकों को नीचे लेके आना काश्त में जो इस वक्त बंजर पड़े हुए हैं। जिस तरह ये देखते देखते DI खान का ये जो 2 लाख एकड़ अब ये काश्त होगी, और ये ऐसी ज़मीन है कि सबसे ज़्यादा पैदावार देगी, क्योंकि इसमें ये बिल्कुल वर्जन टेरिटरी है, इसमें सब कुछ, यानी ज़मीन में बहुत जान है इस वक्त। जिन ज़मीनों पे ज़्यादा काश्त करते रहते हैं उनकी पैदावार कम होती जाती है। ये तो बिल्कुल वर्जन टेरिटरी, यानी ये हर चीज़ में, कपास में, इंशाल्लाह सब चीज़ में ये सबसे ज़्यादा पैदावार यहाँ मिलेगी। फिर चोलिस्तान में इलाके हैं, वहाँ अगर हम पानी का सही इस्तेमाल कर लें। ऐसे ऐसे मुल्क हैं जो जिन्होंने अब, और चीन ने हमें, जब मैं चाइना गया तो उन्होंने हमें डेमोस्ट्रेट कि उन्होंने रेगिस्तान के अंदर उन्होंने फसलें उगा दी हैं, नई टेक्निक्स आ गई हैं। तो हमने अब इस्तेमाल करने अपने वो इलाके जो अभी तक हमने काश्त पे नहीं थे, इंशाल्लाह उनके ऊपर पूरा जोर लगाएंगे और उनको काश्त के नीचे लेके आएंगे। नहीं, जिस तरह मैंने कहा एवोकाडो है, सोयाबीन है, नए फ्रूट्स हैं, ये सारे हम फैसला करेंगे किस जोन में कौन सी चीज़ का सबसे बेहतर फ़ायदा होता है, कैश क्रॉप्स कौन सी हैं। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर अब निकले हुए हैं, और ये जो आज इनिशिएटिव है कि यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, ये बहुत ज़रूरी था यहाँ, क्योंकि DI खान के अंदर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर यहाँ रिसर्च हो। उधर मियांवाली में जो मैंने नमल यूनिवर्सिटी बनाई है, उसके अंदर भी हम एक बाहर से जो दुनिया का टॉप एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री है हॉलैंड की, उससे हमने कोलैबोरेशन किया है, उधर हम बना रहे हैं एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए, ताकि हम आपको इस सारे इलाके को हम बताएं कि बेहतरीन लेटेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है। और फिर चाइना के साथ हमारी एग्रीमेंट हुई है CPEC के अंदर कि हमने उनसे भी जो उनकी टेक्निक्स हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाइना में मसलन दूध है, गाय हमारे से कुछ 3-4 गुना ज़्यादा दूध देती है गाय वहाँ। तो हमारा इस वक्त बड़ा मसला बना हुआ है पाकिस्तान में, हमारे इतने ज़्यादा गाय भैंसें हैं लेकिन दूध बहुत कम है, मुल्क के लिए काफ़ी दूध नहीं, और जो दूध है वो बदकिस्मती से ज़्यादातर उसमें मिलावट होती है और वो हमारे बच्चों के लिए बुरा है। तो दूध के ऊपर पूरा जोर लगाएंगे, कैसे हम अपनी जो ब्रीड है, जो नस्लें हैं, इनको बेहतर कर सकते हैं। आखिर में मैं सिर्फ, क्योंकि आज DI खान आया हूँ, मैं ये ज़रूर अनाउंस करूँगा कि बड़ा मसला बना हुआ है हमारा साउथ वज़ीरिस्तान में, मसूद और हमारे जो दो बड़े कबीले हैं, मसूद और वज़ीर कबीले, वो
डिस्ट्रिक्ट चाह रहे हैं कि दो डिस्ट्रिक्ट्स बन जाएं उस इलाके की, तो मैं ये आज अनाउंस कर रहा हूं कि इंशाल्लाह अब हम उनके लिए दो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स बनाएंगे। लेकिन मैं ये मैं साथ कह चलूँ कि उनके थोड़े से मसले हैं ज़मीन के, और वो मैंने इनको कहा हुआ है महमूद खान को कि उनके अंदर डिस्प्यूट है ज़मीन की, तो पहले वो हम हल कर देंगे और फिर इंशाल्लाह दोनों को हम डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। इससे मकसद इसका ये है कि ज़्यादा बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हो सके, जितने आप छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनाएंगे उतनी बेहतर सर्विस दे सकते हैं लोगों को। तो बड़े बड़े इलाकों में जब हो जाते हैं और बड़े लोगों को दूर जाना पड़ता है, तकलीफ़ होती है, तो सिर्फ इसलिए इंशाल्लाह ये मैं आज अनाउंस कर रहा हूँ। और कबायली इलाके का मैं ख़ास तौर पे, जो पुराना कबायली इलाका था उसके ऊपर हमने ख़ास ज़ोर लगाना है कि वहाँ किस तरह हम उनकी किस तरह की फसलें को उनकी कैसी मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो पीछे रह गया है। तो हमने ख़ास तौर पर ज़ोर लगाना है कि वहाँ के लोगों की हमने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनकी ज़िंदगी बेहतर, उनको कैसे हम कर सकते हैं। आज किसानों के, मुझे ये सबसे बड़ी खुशी है कि सबसे ज़्यादा पैसा आज किसानों के पास गया है पाकिस्तान की तारीख में, कभी इतना ज़्यादा पैसा किसानों के पास नहीं गया, क्योंकि पहली दफ़ा हमने कीमत दी है। ये बड़ा जो शुगर माफिया था वो पैसे नहीं देता था किसानों को, जो शुगर मिल्स थी वो जो रेट भी थी उससे भी कम पैसा मिलता था। तो क्योंकि हमने कानून से ज़ोर लगा के पैसा दिलवाया है, किसानों के पास पैसा आया, उन्होंने अपनी फसलों पे लगाया, तो हर चीज़ में रिकॉर्ड हो रहा है। यानी हमें गंदम में रिकॉर्ड हुआ, हमारे उसमें छल्ली क्या मेज़ राइस का सबसे रिकॉर्ड क्रॉप हुआ, और इंशाल्लाह बड़ी देर के बाद कॉटन क्रॉप हमारी, जो भी बताया था कि इंशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त आ रही है, अल्लाह मौसम को ठीक रखे, तो ये भी पाकिस्तान को बड़ा, और किसानों के पास कभी इतनी कीमत नहीं मिली होगी उसकी, और फिर जो पैसा जाएगा फिर और ज़्यादा खुशहाली इंशाल्लाह हमारे देहातों में आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ रियासत